आशय रोग हरे सब पीरा। अगर इस बिजनेस में कोई सक्सेस हो गया, एके मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक मिश्रा जी का स्वागत है। एके मिश्रा जी, ये जो टीम, मैंने आरंभिक टिप्पणी में कहा कि मंत्री होना एक बात और महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री होना दूसरी बात, वरना राजनीति में मंत्री होना ज्यादा बड़ी समस्या का कारण हो जाता है। मंत्री होके जलवा जलाल तभी है, भौकाल तभी है, जब देने की क्षमता रहे और भगवान की कृपा से ऐसा विभाग मिल जाए, रेशम संवर्धन, मध्य निषेध, राष्ट्रीय एकीकरण, तो समझ लीजिए मंत्री होना गुनाह हो जाए। नहीं, क्योंकि जो मिलने आएगा वो चाहेगा कुछ मिले और आपके पास खुद ही नहीं। मिश्रा जी, आप एकदम सही कह रहे हैं अमिताभ जी। देखिए, इसकी विवेचना कुछ ऐसे होगी कि पॉलिटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसमें ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्शन और उनको कंट्रोल। भाई, आप नेता कब कहे जाते हैं? जब आप 1,000, 2,000, 1-2 करोड़ लोगों के ऊपर कंट्रोल करें, आपका भोकाल टाइट रहे, मतलब सपाट लफ्जों में अगर बोला जाए तो ह्यूमन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की क्षमता, पॉपुलेशन को गवर्न करने की क्षमता जिस विभाग में ज्यादा रहती है उसको उतना ही बड़ा नेता माना जाता है। यानी पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल जिस विभाग या जिस व्यक्ति का, जिस नेता का रहेगा, वो उतना ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय नेता होता है। इस कारण ये चीज लगी रहती है कि भाई हमको ये विभाग मिले, हमको ये विभाग मिले। वो एक अलग इंटरनल कॉम्पिटिशन है। पहला कॉम्पिटिशन आपने पार किया कि जीत के आ गए, फिर इंटरनल कॉम्पिटिशन राजनीति का शुरू होता है कि आपको कौन सा विभाग मिले, कौन सा मंत्री का दायित्व मिले। और उसमें होता है कि नीचे से लेके, जो आपने बताया कि ऐसे विभाग जिनको कोई जानता भी नहीं है, उनकी उपयोगिता है कि नहीं है, इस पे भी सवाल किया जा सकता है, डिबेट किया जा सकता है कि केवल प्लीज करने के लिए भी कई बार विभाग बना दिए जाते हैं कि अपने सहयोगी दलों वगैरह को प्लीज किया जाए। तो एक इंटरनल कॉम्पिटिशन तो अब शुरू हुआ जब मंत्रिमंडल बनना शुरू होता है, वो अंतर्निहित राजनीति है, पार्टी के अंदर की राजनीति है, किसका कितना इन्फ्लुएंस है। एक चीज और बोलूंगा, मछली पालन वाला जो आपने उदाहरण दिया वो बड़ा सही है। कायदे से तो ये होना चाहिए, जिसने फिशरीज में पूरी पढ़ाई की है, मत्स्य पालन में जिसने पूरी पढ़ाई की है, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि मछली पालन का विभाग जिसको मिला होगा उनको फिशरीज के बारे में मॉडर्न नॉलेज कुछ भी नहीं होगा। कहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, कितनी वेराइटीज होती है मछलियों की, उनका प्रजनन वगैरह कैसे होता है, बीमारियां क्या होती हैं। लेकिन एक पार्टी है जो इनकी एलाइज भी रही है, निषाद की जो बात हो रही है, उन्होंने या उनके लड़के ने खुद एक वक्तव्य दिया था, ये हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस रहा है, व्यवसाय रहा है, नदी नाले तालाब पोखर का हमारा व्यवसाय रहा है, हमसे छीन लिया गया है, तो हमारा फोकस भी इसी पे है कि हमको ये हमारा रोजगार लौटाया जाए। तो मुझे लगता है कि इस चीज की सुध ले ली गई है, और अगर उनको बनाया जाता है जाल नाव वगैरह दे करके, तो उनको तो बहुत खुश होना चाहिए इस चीज के लिए कि मछली पकड़ते रहिए। ठीक बात, ठीक बात मिश्र जी। कितनी मछली पकड़, राजनीति में मछलियां भी तरह तरह की होती हैं, सबको नहीं पकड़ा जा सकता, ये सियासत है मेरे दोस्त। इसमें मछली भी कई तरह की होती है, पानी में तो कुछ सीमित तरह की होती होंगी मछली, सियासत में नाना प्रकार की मछलियां हैं और हर मछली का एक अपना कौतुक है। जो लोग पुराने सियासत के खिलाड़ी हैं वो जानते हैं कि यहाँ भी कैसी कैसी मछलियाँ होती हैं और कैसे कैसे जाल लेके चलना पड़ता है, हर जेब में एक नया जाल, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ थी किसी कवि की। लेकिन एक बात मेरी, मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। एके मिश्रा, एक छोटी सी टिप्पणी ले लूं फिर आपके पास आ रहा हूं भैया पटेल साहब। बंजर भूमि विकास, रेशम संवर्धन, ठीक, मद्य निषेध, ऐसे जो मामलात हैं, या निवेश निर्यात प्रोत्साहन, ठीक, इस टाइप के जो हैं वो, और PWD, इनको एक मान कैसे मान सक, कोई उत्तर प्रदेश में इनको एक मानेगा, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। एके मिश्रा जी,
की अपनी विशेषता होती है और उस विभाग को चलाने चलाने के लिए एक स्पेशल स्किल सेट की जो है जरूरत होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं माना जा सकता है एक सारे विभागों की, क्योंकि उनकी कार्य पद्धति और उनकी चुनौतियां अलग हैं। इसलिए विभाग में मंत्रालय में जो मंत्री से लेकर क्लर्क तक हैं उनकी पर्सनालिटी भी टोटली डिफरेंट होती है। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि सारे विभाग एक हैं, कार्य के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से, चुनौतियों के हिसाब से। हर विभाग का बजट भी अलग होता है, सारे प्रोविजंस अलग होते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी विभाग को या सारे विभाग को बेस्ट परफॉर्मिंग विभाग अगर बनाना है तो उनके हिसाब से सारी चीजों को सेट किया जाना चाहिए, ना कि ये मान के कि सब सब धान एक समान। जैसे वो एक कहावत है कि सारी चीजें एक बराबर हैं तो आप नहीं हो पाएंगे। अब हेल्थ केयर से रिलेटेड अगर विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, तो डेफिनेटली एक अगर ऐसा कोई आदमी मिलता है जो उसमें जिसमें उसकी महारत हो, जो डॉक्टर हो पहले से, तो वो चुनौतियों को अच्छे तरीके से समझ सकता है और ब्यूरोक्रेट से अच्छे तरीके से वो काम जी ले सकता है, उनको डायरेक्शंस देके। तो सारे विभाग की अपनी अलग-अलग विशेषता होती है। ठीक है भाई, एक छोटी सी टिप्पणी एके शर्मा से और एके मिश्रा से और लूंगा, फिर मैं अश्विन सिंह साहब के पास आऊंगा। मेरा तजुर्बा कहता है मिश्रा जी, जिसमें भी ठेका शब्द जुड़ा है, ठेका या पट्टा, उसमें गरीब का कोई लेना देना नहीं। 100 किलोमीटर दूर तक गरीब वहां मतलब जिसको बोलते हैं मजदूरी के लिए हायर हो रहा है, बाकी तो फिर बाबू साहब ही देख रहे हैं। गलत है क्या? आपने कोई ऐसा नहीं, ठेका आप पट्टा देखा जिसमें गरीब ही मालिक हो? प्रैक्टिकली मतलब सही बात वास्तव में मालूम। नहीं, ये बात प्रैक्टिकल वे में धरातल पे ये बात सही है। जहां पे ये ठेका और ये सब चीजें होती हैं, एक पूरी वर्णमाला है, जैसे ठेकेदारी, रंगदारी, ये सब चीजें एक साथ चलती हैं। ये माहौल ही ऐसा है कि जब तक वो लक्षण आपके पास नहीं होंगे तब तक आप उस प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। कहीं आपको टेंडर लेना है सरकारी, कहीं बोली लग रही है, कहीं खनन का, कहीं से बालू निकालना है, कहीं रेता निकालना है, तो उसका अपना एक अलग इन्वायरमेंट होता है और उस इन्वायरमेंट में जितने अलग कंपोनेंट होते हैं वो विशेषता अगर आप इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तो आप उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। सवाल ये है जो आपने बोला कि फिर भी सारे लोग भाग, सारे मंत्री मिनिस्टर टीवी पे भले कुछ बोले, भागते उसी तरफ है। तो उसके पीछे भी एक बहुत सिंपल सा रीजन है, मैं आपको बता दूं। आप बोलिए जैसे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जो है वो है, या नासे रोग हरे सब पीरा। अगर इस बिजनेस में कोई सक्सेस हो गया, नासे रोग हरे सब पीरा, अगर इस बिजनेस में कोई सक्सेस हो गया तो उनके सारे रोग सारे पीड़ा एक ही जगह से दूर हो जाते हैं। चुनाव लड़ने के लिए पैसे, बाहुबल के लिए उस तरह के आदमी आ जाते हैं, दबंगई भी चलती है। देखिए, राजनीति और दबंगई को अभी भी हमारा समाज या राजनीतिक परिदृश्य अलग नहीं कर पाया है, दोनों साथ ठीक साथ बात, चलते अच्छी हैं बात कही, और ठीक बात पराकाष्ठा तब होगी जब जी दोनों अलग हो जाए। जी ठीक है, मैं रोकूंगा। मैं एक एक प्रश्न एके मिश्रा से लूंगा, वो कुछ कहना भी जाने। भाई रुको रुको, ऐसन सिंह आगे बात। अरे शिखर अग्रवाल साहब रुको भैया, आगे बात आ गई, आ गई। रुकिए रुकिए सब लोग रुकिए। एके मिश्रा जी, को जब बताना हम लोग ये कहते हैं कि 100 दिन का एजेंडा, उसमें कुछ काम तो हो सकते हैं। जैसे शिखर अग्रवाल ने एक बात ठीक कही, तो उसमें थोड़ी सी ईमानदारी है कि भाई लिस्ट बन पाएगी 100 दिन में, तो लिस्ट बनाएंगे कहां कहां गड़बड़ी है। ठीक। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि 100 दिन में ऐसा का परिणाम, पूरी प्रक्रिया होके परिणाम आ जाएगा, अब सरकार की चाल तो जो सिस्टम है जिसको हम लोग तंत्र बोलते हैं, अमिताभ जी अब वो कौन तो, सा चुनाव अरे रुको भाई, वो तो अपनी गति से चलता है, लड़ने वो जा तो रहे कभी हैं, बदला अभी नहीं। कर देंगे। पिछले 5 साल में भी नहीं बदला, उससे पहले 5 साल में नहीं बदला, गोविंद वल्लभ पंत के समय नहीं बदला। ठीक ना? मैं एक उदाहरण देता हूं, उसी पर उत्तर बस चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में एक सेवा देने सेवा मतलब सेवायोजन वाली संस्था है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, यूपी TSSC। ठीक। एक मिश्रा, जी उसमें 2016 से आज तक की दर्जन भर से ज्यादा जो भर्तियां लंबित हैं, अटकी भटकी और लटकी हैं,
फिर सुनिए, लटकी अटकी और भटकी है उनमें 34 लाख नौजवान फंसा है, 34 लाख। 100 डेज में कैसे क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है कितना व्यवहारिक हो पाएगा एजेंडा? देखिए, इसको केवल एक प्रयास बोला जा सकता है, मुझे नहीं लगता है। अगर करंट व्यवस्था देखी जाए और प्रक्रिया में जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं, 100 दिन में मुझे नहीं लगता है कि जो इन्होंने बोला है वो चीज हो जाएगी। एक भर्ती को निकालना, प्रकाशित करना, फिर एग्जाम कंडक्ट करवाना, रिजल्ट देना, फिर कोई स्टे ऑर्डर ले लेगा, फिर ये करना। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। आपने शुरू में ही अपने डिबेट के बोला था कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था बड़ी चित्र विचित्र है, किसको कौन सा विभाग मिल जाएगा। उसी पे मैं बोलता हूँ, हमारे निषाद जी ने जो आंसर दिया मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। इन्होंने बोला 100 दिन में हम केवल ये करेंगे कि हम चिन्हित करेंगे। आप लिख के ले लीजिए, 9 दिन चले, 2.5 कोस वाली ये कहावत बोल रहे हैं, और ये दिखाता है कि बिलो, मतलब अंडर लेवल परफॉर्मेंस ये दिखाता है। इसी चीज का जवाब अगर मुझे देना होता, आप फर्ज करिए, तो मैं इनको बोलता कि पूरे उत्तर प्रदेश में 6.5 लाख तालाब है, जिसमें से 2.5 लाख तालाब ढक गए हैं मिट्टी कूड़ा करकट से। 100 दिन में हम 10,000 तालाबों को साफ करवाएंगे, उसमें पानी भरवाएंगे, इतने क्विंटल या इतने मीट्रिक टन हम उसमें मछली का जो है बीज डालेंगे, 3 महीने में वो मछली बढ़ेगी, तो 10% एडिशनल हम प्रोडक्शन करेंगे। इतना पिन पॉइंटेड टारगेट लेकर के जब आप चलेंगे तभी आपको मिलेगा। अब ये तो जनरल 100 दिन में हम केवल चिन्हित करेंगे, साहब 100 दिन में आप चिन्हित करेंगे, ये डाटा तो ऑलरेडी चिन्हित पड़ा रहता है आपके पास, कितने तालाब है, क्या है, कैसे नहीं है। तो ये बोलना कि 100 दिन में, अभी केवल ये दिया गया है कि आप टारगेट बनाइए 100 दिन में क्या करेंगे, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये बड़ा वेग प्लानिंग मुझे लग रही है, और मुझे लग रहा है सिर्फ जनता को ये दिखाने के लिए, देखो जी हम आए हैं, तो आते ही तुरंत एक्टिव हो गए हैं, हमने 100 दिन का 100 डेज का एक जो है मूवी बना दी। ठीक बात, एक 20 सेकंड